नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ में हितेंद्र बदौलिया। अशोकनगर जिले की मुवाली में इस समय चुनाव चरम पर है और इससे जुड़ी तमाम सारी जानकारी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। और आपको अगर इसमें दिलचस्पी है और देखना चाहते हैं तो हमारा एसआर यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, आपको चुनाव से जुड़ी तमाम सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेंगी। मुंगावली में उपचुनाव का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी सुर्खियां या इसकी लोकप्रियता चरम पर है। पूरे प्रदेश में अगर इस समय सबसे बड़ा मुद्दा कोई है तो वो मुंगावली का चुनाव है। यूं तो कोलारस में भी चुनाव हो रहा है पर सुर्खियां मुंगावली से हो रही हैं। दरअसल मुंगावली की सुर्खियों के पीछे नेताओं के बयानबाजी और यहाँ पर हो रहे कई ऐसे काम हैं जिनको प्रदेश भर में देखा सुना और कहा जा रहा है। कई दूत अलग अलग तरह की चीजों के साथ में हम आपके साथ में हैं। शुरुआत करते हैं नेताओं की फौज के साथ में। आपने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के कितने मंत्रियों को एक साथ एक जगह या एक जिले में देखा होगा? शायद 2, 3, 4 या 5, मगर आपको शायद ये ध्यान में हो कभी ऐसा कि दर्जन भर से ज़्यादा मंत्री एक दिन में एक जिले में हो। मगर चुनाव का महीना है, चुनाव का मौसम है तो अशोकनगर के मुंगावली क्षेत्र में इन मंत्रियों की ऐसी दस्तक है कि दर दर भटकते घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर डाले जा रहे हैं और ढूंढ ढूंढ कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जरा एक सूची देख लीजिए कि हैं कौन कौन इस इलाके में। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अशोकनगर जिले में रोड शो करेंगे। उनके पहले बीते 2-3 दिन में जिन जिन लोगों ने मुंगावली क्षेत्र में जनसंपर्क किया है उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान शामिल हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मंत्रियों की एक लंबी फौज में नाम गिनाए देता हूँ। उनमें जिले के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया, भूपेन्द्र सिंह, रामपाल सिंह, गौरीशंकर बिसेन, गोपाल भार्गव, विजय शाह, नारायण सिंह कुशवाहा, लाल सिंह आर्य, माया सिंह, अर्चना चिटनीस, ललिता यादव और भी कुछ लोग हैं जिनके नाम नहीं हो पाए या इकट्ठ नहीं कर पाए। इसके अलावा निगम और मंडल के कोई दर्जन भर अध्यक्ष और उनसे जुड़े लोग भी इस इलाके में हैं। इसके अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े तमाम सारे लोग लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। बीजेपी ने 25 सेक्टर बनाए हैं और प्रतिदिन एक सेक्टर में एक न एक वीआईपी ज़रूर होता है। इसके अलावा भी कई सारे दूसरे लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अकेले इनकी ये हालत नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी कामोबेश यही है। पूरा का पूरा प्रदेश इस समय मुंगावली पर और कोलारस पर जो है आदम का है। अगर देखा जाए तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस पूरे चुनाव की कमान संभाले हैं वो इन दोनों ही इलाकों में हैं। उसके अलावा उनके प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद कांतिलाल भूरिया, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी और उनके अलावा पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, तमाम सारे ऐसे लोग जो अशोकनगर की होटलों में, मुंगावली की लॉजों में और दूसरी जगह पनाह लिए हैं और सुबह से निकलते हैं, दिन भर प्रचार करते हैं और फिर आ जाते हैं। अशोकनगर की जनता ने इतना लाव लश्कर मंत्री नेताओं का पहले कभी नहीं देखा। 2 दिन पहले अशोकनगर जिले के कुछ ऐसे वीडियो हुए सामने आए, वायरल हुए, जो सुर्खियां बनती गए। उन वीडियो में एक सबसे बड़ा वीडियो था सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को माला पहनाए जाने का। यूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूलों की माला पहनने से इनकार कर रखा है, कोई 5-6 महीने से या मंदसौर घटना के बाद से वो माला नहीं पहन रहे। ऐसी स्थिति में पेपलखेड़ा गांव में उनको नींबू मिर्ची की माला पहनाई गई। एक किसान ने उनके लिए माला तैयार की थी और उसका ये कहना था कि ये माला पहनने से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नज़र नहीं लगेगी और इस माला में उन्होंने अपने हाथ से जो तैयार की थी उसमें नींबू मिर्ची, गाजर, बैंगन और दूसरी सब्जियां भी थीं। तो उनके प्रदेश के दूसरे तमाम सारे अधिकारी जब उनके साथ में थे, पदाधिकारी, तो उस समय ये उनको माला पहनाई गई। उनके प्रत्याशी जो ब्रजेंद्र सिंह थे वो फूलों की माला पहन रहे थे और सिंधिया को सब्जियों की माला पहनाई गई थी। ये दृश्य जमकर वायरल हुआ। और इसी दौर में एक सबसे बड़ी घटना या सबसे बड़ा बयान सामने आया अभी तक के चुनाव में, जिसको लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति, खासकर कांग्रेस की राजनीति में हलचल शुरू हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सत्यव्रत चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बहुत बड़े नेताओं में उनका शुमार है, सिंधिया खेमे के माने जाते हैं। एक स्थानीय होटल में सुबह सुबह पत्रकारों से बातचीत की तो खुलकर कह दिया कि सिंधिया को तत्काल मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। उनका बयान आना था कि प्रदेश भर की कांग्रेस में हल्ला मचना शुरू हो गया। मैं आज लगता है, मैं तो 6-7 साल से कह रहा हूँ
कि ज्योतिरादित्य को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करिए और अभी करिए, तत्काल करिए, कम से कम 6 महीने 8 महीने उसको मिले, पूरे प्रदेश में दौरा कर सके, जिलों जिलों में जा सके, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, दोनों से संपर्क साध सके, वहां वातावरण निर्मित कर सके, हर जिले की राजनीतिक जो समीकरण है उनके बारे में वहां के स्थानीय नेताओं से हर जिले के मिल सके, उनके बातचीत कर सके, तैयारी कर सके, इस सब के लिए कम से कम 6-8 महीना चाहिए। कोई जादू नहीं कर देगा ज्योतिरादित्य, क्योंकि अभी तक हमने जिन लोगों से बात की थी उसमें कमलनाथ जी जो साथ में आए थे नामांकन भरवाने, उसके बाद जो लोग बचे थे उनमें दीपक बावरिया जी थे, अजय सिंह जी थे, अरुण यादव जी थे, वो सुरेश पचौरी जी भी थे, इन सबके सामने पत्रकारों ने जब पूछा था तो किसी का भी मुंह इस मुद्दे को लेकर नहीं खुला था कि क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री पद पर प्रोजेक्ट कर देना उचित होगा, बल्कि कुछ लोगों ने तो इस पर जो है पत्रकारों को ही घेर दिया था। बहरहाल उन्होंने इतना बरका था कि ये पार्टी हाईकमान को तय करना होगा और उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। और जब सत्यव्रत चतुर्वेदी का ये बयान आया और बयान के साथ साथ उन्होंने पार्टी कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने कह दिया कि ये जनाकांक्षाएं हैं और इनको अगर पूरा नहीं किया तो फिर जनता को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पहले घोषित किया जा सकता है तो अशोकनगर में या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। इसको लेकर आज फिर अरुण यादव पत्रकारों के बीच में थे और उनका वही जवाब, पुरानी सीढ़ी एक तरह फिर निकली, वही की वही शब्द, वही की वही बात, पार्टी हाईकमान तय करेगा, वो नहीं कर सकते। आपको लगता है कि जनता मांग कर रही है सिंधिया की? मैं फिर कह रहा हूँ कि ये बार बार ये सवाल आप ही हर जगह मुझसे लोग पूछते हैं और मेरा एक ही स्टेटमेंट इसको लेकर, जो निर्णय हाईकमान का होगा वो मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के लोगों को मान्य होगा, कार्यकर्ता। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आप अपनी तरफ से उनका नाम बढ़ाएंगे? ये मेरा काम नहीं है, ये काम हाईकमान का है कि हाईकमान किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। जो जिम्मेदारी संगठन मुझे मिली मैं उसको काम कर रहा हूँ। आप ये नहीं बता पाएंगे जनाकांक्षाएं और उनको बना दे? मैं क्या करूँ, मेरा हाईकमान ये सारी चीजें जानता है, मुझसे बेहतर जानता है, उनके पास ये सारी चीजों को जानने के लिए बहुत सारे तंत्र है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का और संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे दी मैं उस पर निर्वाह कर रहा हूँ, उससे ज्यादा आप इसको उलझाने की कोशिश ना करें। पीपल खेड़ा में जब सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजर न लगने के लिए माला पहनाई जा रही थी सब्जियों की, उसी समय की बात है कि उन्हीं की पार्टी की 100 से ज्यादा महिलाएं अपना घर छोड़कर भाजपा में चली गईं, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भादरपुर में महिला मोर्चा के सम्मेलन में 100 से ज्यादा कांग्रेस नेत्रियों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दिन एक और बड़ा कार्यक्रम मंगौली में हुआ जिसमें क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजन किया गया, इसमें प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, मंगौली चुनाव को देख रहे अरविंद भदौरिया और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह और रामपाल सिंह मंत्री भी रहे। इन्होंने उस दौरान सिंधिया और कांग्रेस पर खूब जमकर हमले किए और कहा कि लोग विकास को प्राथमिकता नहीं देते, जबकि विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। मलकीत सिंह तो आपको याद होंगे ना? जी हाँ, मलकीत सिंह फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में उनको लाया है प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने। बीते दिनों देर रात मलकीत सिंह के घर पहुंचे, घर पहुंचकर उनके गिले शिकवे दूर किए और उनको मान मनोबल भी किया। आपको बता दें कि मलकीत सिंह ने चुनाव में जैसे ही भाजपा के द्वारा उम्मीदवार घोषित किया था तो उसके बाद बगावत शुरू कर दी थी, इसके बाद मान गए थे और मानने के बाद बीजेपी को जिताने के लिए भी लगे थे और भारतीय जनता पार्टी ने अब उनको पूरी तरह से मनाने के लिए नई बकाया शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष खुद घर पहुंचे थे, उनसे पूछा तो बोला ये पुराना अड्डा है उनका, पुराना बैरियर है, जब भी यहाँ से निकलते थे तो मलकीत सिंह के यहाँ रुकते थे। उन्होंने तो उन मलकीत सिंह को अपना मित्र भी बता दिया। अब ये मित्रता क्या पुराने रंग में लौट पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, ये समय बताएगा। मलकीत सिंह मेरे पुराने मित्र हैं, चुनाव के पहले भी ये मेरा बैरियर और नाका है, अशोक नगर में प्रवेश के पहले, मुंगावली में प्रवेश के पहले मैं हमेशा यहाँ रुका हूँ, अभी भी रुका हूँ और आगे भी रुकूंगा। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव दोनों ही ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अरुण यादव ने कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के निवास पर बैठक की पत्रकारों के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो दोनों सीटें जीत रहे हैं। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों पर बात करते करते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के साठगांठ वाले एक मुद्दे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में मुंगावली में कई फर्जीवाड़े किए गए हैं और 8 से 10 हज़ार जाली मतदाता हैं जिनकी जांच
की माननीय मांग की है और ये जांच की मांग न केवल अशोकनगर भोपाल बल्कि दिल्ली स्तर पर भी की जा रही है। इसके अलावा भी वो कई मुद्दों पर बोले, उन मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी पर हर बार की तरह उन्होंने हमला तो बोला ही, साथ ही एक बात और उन्होंने कही कि नंद कुमार सिंह चौहान जो हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें एम्स में इलाज की ज़रूरत है। उनका ये बयान इस वजह से आया था क्योंकि कुछ देर पहले या कुछ एक दिन पहले नंद कुमार सिंह जी ने ये कह दिया था कि दीपक बावरिया तो बावरे हो गए हैं, इसलिए वो कुछ भी कह रहे हैं। क्योंकि मेरे क्षेत्र के हैं, मैं ये उनके बारे में कहूँगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये पहली बार से बयानबाजी नहीं कर रहे, अनेकों बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो आप उनके डॉक्टर की शक्ता हो सकता है, मैं तो मुख्यमंत्री से सलाह दूंगा उनको एम्स में ले जाएं, वो दिल्ली अच्छे डॉक्टर दिखाएं, दिमाग का इलाज। मुझे ऐसे लगता है कि जरूरत है उनको, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार इस तरह की टिप्पणियां अनगल टिप्पणियां कर चुके। अब ये मुद्दा जब आया था तो कुछ देर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके सामने जब ये बताया गया कि आपको वो जो है मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं अरुण यादव, तो उनने भी बड़ा सदा हुआ जवाब दिया और सीधा सीधा हमला किया, बोले उनका इंतजाम और उनका इलाज तो कुछ साल पहले खंडवा लोकसभा में कर दिया है, 2.5 लाख वोटों से उनको हरा कर जो है जनता ने उनका अच्छा इलाज किया था। और यही नहीं रुके, उन्होंने कह दिया कि आगे 2018 में पूरे प्रदेश से कांग्रेस का इलाज हो जाएगा, तब पता चलेगा कि एम्स में जाने की किसको जरूरत है। दोनों बयान आप सुन लीजिए। मैंने बावरिया जी को लेकर जो बयान दिया, बावरिया जी ने मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की, अशोभनीय टिप्पणी की, उनके बारे में कहा कि ये नरेंद्र मोदी की एजेंट है, वो जासूसी करने के लिए यहां अपॉइंट हुई है, एक संवैधानिक मर्यादा को लांघकर कांग्रेस का नेता यदि इस प्रकार की भाषा महामहिम राज्यपाल को लेकर बोलता है तो मैंने कौन सा गलत कहा। और रह गया सवाल एम्स में किसको भर्ती करना, तो श्री अरुण यादव और मैं खंडवा लोकसभा में सामने आमने थे, 2.5 लाख वोटों से अरुण यादव को वहां की जनता ने हराया है और उनका पक्का इलाज कर दिया है, और 2018 में कांग्रेस का भी पक्का इलाज फिर भाजपा का। चुनाव से हटके खबर है और आप सब लोगों के काम की खबर है, क्योंकि शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा हो जो दो चीज़ों में दिलचस्पी ना रखता हो, पहली फिल्म और दूसरी क्रिकेट। और अगली खबर उन दोनों से जुड़ी है। दरअसल बीते कुछ सप्ताह से, एक सप्ताह पहले से अनुष्का शर्मा अशोकनगर के चंदेरी में है और उनके पति दूर देश में इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं, और कल वैलेंटाइन डे था और ये पहला वैलेंटाइन था उनकी शादी के बाद का, और पहले ही वैलेंटाइन डे पर वो दोनों अलग अलग थे। इस समय वो सुई धागा फिल्म की शूटिंग में है अनुष्का, और उनका एक फोटो टीम ने जारी किया है उनकी प्रोड्यूशन टीम में, इसमें अगर आप उनको देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये अनुष्का है। तो ये पहला फोटो है जिसमें उनकी जो अभिनय है उससे संबंधित थोड़ी बहुत चीज़ें हैं या आप कयास लगा सकते हैं। बहरहाल ये है कि ये नए नवेले दूल्हा दुल्हन, या यूँ कहिए कि नव दंपत्ति प्रेम मिलन के दिन या प्रेम दिवस के दिन दूसरे से दूर रहे, हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे से इन्होंने ये दिन गुजारा, इधर ये अपनी शूटिंग में मस्त रहे और वो अपने खेल में।